पुत्र, पुत्र तुम्हारी माँ को पुलिस पकड़ के ले गई। किस जुर्म में लेके गई है? कहाँ, मतलब बताइए ना कुछ। यही तो मैं पूछने आई हूँ, यही मैं इन मुट्ठे लोगों से पूछने आई हूँ कि इनकी माँ ने ऐसा क्या कसूर किया, क्या गुनाह किया जो उनको पुलिस पकड़ कर ले गई। और ये है मुट्ठे घर की फटी बहू जो पुलिस को अपने साथ लेकर आई थी हमारे घर। अभी तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल और अपनी छोटी गवाही वापस ले। ऐसी मीठे वाली आंखों से क्या तोड़ रही है, मेरे हाथों जाया हो जाएगी। चल, क्या बदतमीजी हाथ छोड़ी। जानकी आंटी एक मिनट। तुमने सरला आंटी को किससे पूछ के अरेस्ट कराया, क्यों करवाया? शालिनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सरला आंटी को अरेस्ट क्यों करवाया? इसीलिए ऋषभ जी, मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात आपको नहीं बता रही थी। अब जब देखो तब दूसरों पे भरोसा करते हो, उन पे विश्वास करते हो, मेरे बारे में कभी अच्छा सोचते ही नहीं। शालिनी, अगर मुझे जज करने से पहले तुम अपनी हरकतों की तरफ जरा भी ध्यान देती तो आज ये नौबत भी ना आती। तुमसे सिंपल तरीके से पूछ रहा हूँ कि सरला आंटी को अरेस्ट क्यों करवाया, मुझे उसका सिंपल जवाब चाहिए कि क्यों। क्योंकि आपकी सरला आंटी ने हमारे, आपके और इस घर के होने वाले चिराग को मारने की कोशिश की। आप लोगों ने सही सुना, सरला आंटी जो लड्डू लेकर आए थे उसमें जहर था। मैंने तो लड्डू समझ के खा लिए, लेकिन वो लड्डू खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी बच्ची की जान जा सकती थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरी तबीयत खराब होनी, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आप लोगों को सरला आंटी पे ज्यादा विश्वास है, मैं इस घर की बहू, लेकिन मेरा विश्वास किसी ने नहीं किया। आप लोग कहते हो कि आप लोग मुझसे प्यार करते हो, मुसीबत में मेरा साथ दोगे, लेकिन किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया। दादी, आपने भी कह दिया कि वो सरला आंटी लड्डू में जहर क्यों मिलाएंगी। बिल्कुल सही कहा दादी ने, मेरी माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, समझी। और डॉक्टर ने भी यही बात बोली थी ना कि तुम्हारी बॉडी में जहर फैला है, लेकिन लड्डुओं की वजह से फैला है ये कंफर्म नहीं हुआ। करण, प्रीता ने लड्डू खाए थे तभी उसकी बॉडी में जहर था और इसलिए उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई। अरे वो तो नॉर्मली खराब है, लड्डुओं की वजह से थोड़ी ना हुई है। करण, तुम सरला आंटी पे बेकार में इल्जाम लगा रही हो। कोई तुम्हारी बात माने या ना माने, मैं मानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है तुम जो कह रही हो सच कह रही हो। इन सब के सामने बोलने के पहले ना तुम्हें सबूत का वेट कर लेना चाहिए था। अगर एक बार रिपोर्ट आ जाती उसके बाद। क्या रिपोर्ट माहिरा, क्या रिपोर्ट? रिपोर्ट एक फॉर्मेलिटी है जो सच है, मैं बता रही हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्रीता ने सुबह सरकी में वो लड्डू खाए थे जो उसकी माँ लेकर आई थी, उसकी तबीयत खराब हो गई वो लड्डू खाकर। तुम्हारी तबीयत क्यों नहीं खराब हुई? क्योंकि तुमने सरला आंटी के हाथ के लड्डू नहीं खाए, तुमने वो लड्डू खाए जो तुम्हारी मॉम लेकर आए थे। दोपहर को मुझे भूख लगी तो मैंने किचन में जाके वो ही लड्डू खा लिए, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बेहोश हो गई थी ना। आप लोगों को याद है माहिरा ने हमको आकर कहा था कि किचन में बिल्ली आई थी और उसने उसको दूध दिया था, दूध नहीं पिया तो उसने लड्डू मिला दिए, दूध में लड्डू थे और वो पीते ही बिल्ली मर गई क्योंकि उसमें जहर था। बकवास कर रही है, जहर फिर क्या दे रहा? अरे कौन माँ अपनी बेटी को सरकी के लिए जहर वाले लड्डू बेचेगी? तुम बोलो क्या चाहती हो? वही जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कोई माँ अपनी बेटी को मारने की कोशिश क्यों करेगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हर एक इंसान को एक एक चीज एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ। अरे समझने की कोशिश करो, सरला आंटी ने प्रीता को कह दिया होगा कि उन लड्डुओं में जहर है, तुम मत खाना, तो उससे थोड़ी सी खाए। मुझे नहीं पता था, मैंने दो दो लड्डू खा लिए और खाते ही मैं बेहोश हो गई। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? मुझे बोलो कि मैं सरला आंटी पे क्यों शक कर रही हूँ? प्लीज प्लीज रोना बंद करो, बिल्कुल नहीं रोना। खुश हो गए, यही चाहते थे ना? हर बार हमारे घर में आके एक नया ड्रामा करते हो तुम लोग। पिछली बार तुम्हारी माँ आई थी, इस बार तुम आई हो, क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, क्यों ब्लेम कर रही हो शर्लिन को? अब शर्लिन को कोई कुछ नहीं कहेगा, सुन लिया तुम लोगों ने, कोई कुछ नहीं कहने वाला उसे।
शर्लिन बेटा, बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। जब डॉक्टर ने कहा था कि सिम्टम्स देख के ये पता चला है कि तुम्हारी बॉडी में जहर है, मैं तो उसी वक्त इन अरोरा के अगेंस्ट केस करने वाली थी। वो तो मॉम ने मुझे रोक दिया। मॉम ने कहा जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक चुप रहो। चुप रहने का ये मतलब नहीं था कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। मैं बहुत विश्वास करती हूँ तुम पे। सुना तुमने? बिल्कुल नहीं रोना। खुश हो गए तुम लोग? यही चाहते थे ना तुम? करवा चौथ के दिन रुला दिया बिचारी को। हाँ, ये ना यही कर सकती है। इसके पास अगर किसी सवाल का जवाब नहीं होता ना तो ऐसे रोने का नाटक करती है। रो रो के ये सबको इमोशनल ब्लैकमेल करती है। इसको सिंपैथी कार्ड कहते हैं ना, यही फेंका ना तुमने अभी। ऋषभ जी, करण सर आप लोग ने बिल्कुल सही सोचा। अगर किसी के पास जरा सा भी दिमाग होगा ना तो वो समझ जाएगा कि ये झूठ बोल रही है, ये नाटक कर रही है, इसने झूठी कहानियां बनाई है। मैं झूठी कहानियां क्यों बनाऊंगी? सृष्टि समझने की कोशिश करो। डॉक्टर आया था, डॉक्टर ने मुझे चेक किया, डॉक्टर ने कहा कि मेरी बॉडी में जहर मिला है। सृष्टि, मैं माँ बनने वाली हूँ। जब कोई लड़की माँ बनती है ना, अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो सहन नहीं करेगी, चाहे उसके घर वाले उसका साथ दे या ना दे, चाहे उसका पति उसका साथ दे ना दे, वो लड़की अकेले लड़ेगी। क्योंकि वो अकेले नहीं होती, उसके साथ उसका बच्चा होता है। वो अपने बच्चे के साथ लड़ती है, सच्चाई के लिए लड़ती है, और मैं लड़ी हूँ। अरे क्या तुम रिपोर्ट की बात करती रहती हो? रिपोर्ट का इंतजार तुम लोग कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता करना है सच क्या है, गलत क्या है। और मुझे पता है कि सच क्या है। सल्ला आंटी ने लड्डुओं में जहर मिलाया है, और मैंने आप लोगों को बिना बताए गलत इंसान को सजा दिला दी। मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है। अरे अफसोस तुझ जैसी लड़की को होगा भी कैसे, इसे कोई अफसोस नहीं है। ये तेरा प्लान था ना, पूरी प्लानिंग के साथ तूने मेरी मम्मा को अरेस्ट करवाया है। माँ जेल में, मुझे माँ के पास जाना, उन्हें मेरी बहुत जरूरत होगी आज। पुत्र, तुम्हारी माँ को पुलिस पकड़ के ले गई है। ये है वट्टे कर की वट्टी बहू जो पुलिस को अपने साथ लेकर आई थी हमारे घर। सरला आंटी जो लड्डू लेकर आए थे उसमें जहर था। पुलिस स्टेशन चली। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना प्रीता, इसकी तुम खुद जिम्मेदार। चलो आज तुम्हें थोड़ी देर के लिए मैंने इस घर से बाहर तो भेजा, बहुत जल्द तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से बाहर भेज दूंगी। फिर अपनी माँ के घर में बैठ के जिंदगी भर रोती रहना। हाँ मॉम। और सरला अरोरा अरेस्ट हो गई ना? चली गई जेल। वो भी जेल चली गई, और अभी उसके पीछे पीछे प्रीता भी गई है। प्रीता को ऐसे रोता हुआ तड़पता हुआ देखकर बहुत सुकून मिला मेरे दिल को। यू हैप्पी ना मायरा? तेरे दिल के इसी सुकून के लिए ये सब खेल रचा मैंने। बस अब इस खेल का एक आखिरी स्टेप लेना है। आखिरी दाव बाकी है, देखते जाओ मायरा। रिवेंज, यू जस्ट वेट एंड वॉच। तू यहां क्यों आ गई? तेरा तो करवा चौथ का व्रत है ना? माँ, मुझे पता है कि आपने कुछ नहीं किया। माँ, आपने जो लड्डू दिए थे उनमें से प्यार था, उनमें कोई जहर नहीं था। मुझे पता है, तू जानती है ना मैं ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। तुझे विश्वास नहीं दिलाना है मुझे। मैं जानती हूँ कि तू समझती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो झूठ है। शर्लिन ने पता है ना कितना बड़ा इल्जाम लगाया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं,
मैंने लड्डू में जहर नहीं डाला। मुझे पता है लेकिन तुझे इस समय घर में होना चाहिए था। तेरा करवा चौथ का व्रत है, वहां पूजा। नहीं माँ, आप यहाँ पर तो मैं वहां कैसे हो सकती हूँ? मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे आपके पास होना है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपको अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तू कमजोर नहीं है, तू तो जानती है ना कितनी भी मुश्किलें आती है हम पर, लेकिन हम लोग कभी नहीं हारते। क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं ना, जिनका मन साफ होता है, उन्हें कभी भी बुराई से डर नहीं लगता। भगवान उनके इम्तिहान जरूर लेता है, लेकिन वो हमेशा उनसे पार होते हैं। तो हिम्मत है मेरी, हमेशा मेरे साथ खड़ी हुई है। तू जानती है ना, तू पास होती है ना तो मुझे हिम्मत रहती है, और तू जब भी मुश्किल में पड़ी है ना तो मैं तेरी हिम्मत बनी हूँ। तो आज तू कैसे कमजोर हो सकती है? ऐसे कैसे तू छोड़ के वहां पर सब कुछ यहाँ आके? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं यहाँ पर हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तू जा वहां, अपना फर्ज निभा, तेरा फर्ज बनता है बेटा। तू वहां जा, सब परिवार वालों के साथ, करण के साथ, सब लोग तेरी राह देख रहे होंगे। तू जा, तेरा व्रत है, तुझे पूजा करनी है, जा। मैंने मेरा व्रत तोड़ा नहीं है और मैं ये व्रत तोड़ूंगी नहीं, अच्छे से रखूंगी। लेकिन आपको भी अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पर है तो मैं वहां कैसे हो सकती हूँ? आप मेरे साथ चलिए माँ, मैं मेरा व्रत पूरा करूंगी, लेकिन पहले आपको यहाँ से लेकर जाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना तुझे, तू जा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुझे व्रत पूरा करना पड़ेगा। अगर तू माँ करवा की पूजा नहीं करेगी, चांद को देखकर अपने पति की लंबी उम्र की मन्नत नहीं मांगेगी, तो तेरा व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। तूने वो करवा माँ की वो थाली वाली पूजा कर ली? वो होने ही वाली थी, उससे पहले मुझे पता चल गया कि आप यहाँ आए, तुम यहाँ आ गए। तूने जैसे मेरे बारे में सुना तो तू दौड़ी चली, पूजा नहीं की तूने। क्यों किया तूने ऐसे प्रीता, तूने क्यों किया ऐसा? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कमजोर थोड़ी ना हूँ, जिंदा हूँ। और पूजा खत्म करके भी तो तू आ सकती थी। देख, तेरा पहला करवा चौथ है। बहुत सपने देखे मैंने तेरी शादी कि मेरी बेटी की शादी होगी, वो अपने सारे रीति रिवाज निभाएगी, उसका पहला करवा चौथ है, वो अपने पति के साथ खड़ी होगी, अपनी शादी की सफलता की प्रार्थना करेगी माँ करवा से, अपने ससुराल वालों के साथ सारी रीति रिवाज निभाएगी। सच कह रही हूँ, मेरी वजह से अगर तुमने आज अपना व्रत से बीच में छुपाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगेगा कि मेरी वजह से तेरे रीति रिवाज पूरे नहीं हुए, मैं तेरे करवा चौथ के पूरा ना होने का कारण नहीं बन सकती। मैं चाहती हूँ कि तू जाकर वहाँ अपने पति के साथ खड़ी हो, उसके नाम का व्रत जो तूने रखा है ना वो पूरा कर, चांद को देख कर पानी पी, उसके हाथ से मीठा खा। अगर तू ये सब नहीं करेगी ना तो सच में मुझे जिंदगी भर चैन नहीं आएगा। मुझे लगेगा मेरी वजह से ये सब हुआ है कि तू अपना पहला पहला त्यौहार भी ठीक से नहीं मना पाए। तू जा, और तुझे पता है वो शर्लिन और मायरा, तू वहां नहीं है ना घर में तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। तू वहां खड़ी रहेगी ना तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं कमजोर नहीं और तू भी कमजोर नहीं। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू उस घर में जा रही है, कुछ भी आसान नहीं होगा, सोच समझ कर कदम उठाना। तो तुझे सोच समझ कर कदम उठाना है, तू परेशान मत हो। उसे शर्ली ने कहा भी था, जैसे उसे पता चलेगा ना कि उसकी माँ को पुलिस ने पकड़ लिया है तो वो दौड़ी चली आएगी अपनी माँ को बचाने के लिए। तुम्हारी बेटी के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना, पहला करवा चौथ है, अपने पति के लिए उसने व्रत रखा है। तुमने मेरे इरादों को तोड़ा, मैं तुम्हारी बेटी का व्रत तोड़ दूंगी। अब वो अपना फर्ज कैसे निभाएगी, मतलब अपने पति का साथ देगी या अपनी माँ का साथ देगी? बहुत मुश्किलों के बाद तुझे करण जैसा साथी मिला, एक इतना अच्छा लड़का जिसने मुझे भी अपनी सास मान ली। तूने उसके लिए व्रत रखा है, जब यहाँ तक पहुँच गई है तो पीछे मत हट, अपने रिश्ते को अच्छे से निभा और माँ करवा से पूजा कर कि तेरे रिश्ते पर किसी की भी बुरी नजर ना पड़े।
हिम्मत से काम ले। शाबाश, खुश रहे, सदा सुहागन रहे, तेरा सुहाग ऐसे ही हमेशा चमकता रहे। जा मेरे बच्चे। देखा ऋषभ जी, सृष्टि मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट की जा रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप खड़े हो, क्यों ऋषभ जी, कुछ बोलिए उसे। बस कर फसादन, बहुत रह ली तू बेचारी बेचारी बनके, वहाँ पे तो सपनी बनके सबको फुकारे मार रही थी, बहुत बोल रही थी ना, अब बोल ना सबके सामने क्या कह रही थी कि ए बुढ़िया तुझे मैं इतना रुलाऊंगी कि जिंदगी भर रोती रहेगी। ऋषभ जी आप समझने की कोशिश कीजिए, ये लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, आप तो कुछ बोलिए, मेरा साइड लीजिए, वो तो प्रीता की तबीयत या नहीं है। प्रीता कहाँ चली गई? मम्मी जी प्रीता कहाँ चली गई? प्रीता जी कहाँ? चली गई अपनी मॉम से मिलने। और आप सब लोगों को पता है मैंने क्या सुना? वो अभी जाते जाते कह रही थी अपनी मॉम से कि आपका जो प्लान था लड्डुओं वाला वो सक्सेसफुल हो गया है। प्लीज मैं जाके उसे देखता हूँ। करण ये सब झूठ पे झूठ बोलते रहे, मैं सच भी ना बोलूं। लड्डुओं में जहर था जिसकी वजह से वो मेरी बॉडी में चला गया। आप लोग क्यों नहीं समझते हो? और मैं भी ये कह रही हूँ कि मेरी मम्मा ने कुछ नहीं किया। ये जो आप लोगों की बड़ी बहू है ना, ये झूठ बोल रही है, ये नाटक कर रही है, इसने पुलिस को भी ऐसे ही झूठ बोला होगा। एंड ऑफ कोर्स पुलिस तो इसी की बात मानेगी क्योंकि ये दूसरे खानदान की बहू जो है। लग रहा है शैलिन तुम्हें? हाँ मेरे मम्मा को फंसा के अच्छा लग रहा है ना? तुम्हारे तो मन में मोतीचूर के लड्डू फूट रहे होंगे। स्टॉप आर्ग्यूइंग प्लीज। ये झूठ बोल रहे हैं। एक काम करते हैं, मैं एक फोन करती हूँ, अभी सबको साबित हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। एक सेकंड रुको। या शैलिन जी बोलिए। डॉक्टर मुझे पता करना है कि वो रिपोर्ट्स आ गई कि थोड़ा वक्त है। आपको रिपोर्ट नहीं मिली? मुझे तो लगा आपको रिपोर्ट मिल गई होगी और आपने देख भी ली होगी। और उसको देखने के बाद मुझे कॉल कर रही हैं। डॉक्टर आपने वो रिपोर्ट पढ़ी थी भेजने से पहले? ऑब्वियसली मिस्टर करण, मैंने वो रिपोर्ट देखने के बाद ही आपके घर पे भेजी है। इनफैक्ट मैंने मिस्टर ऋषभ को फोन भी किया था ये बताने के लिए कि रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, शायद बिजी होंगे। डॉक्टर आई एम सॉरी, मेरा फोन मेरे पास नहीं है, आपका फोन मैंने स्किप कर दिया, आई एम रियली सॉरी। पर आप बताइए ना, आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, क्या है रिपोर्ट्स में? मिस्टर ऋषभ जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है एंड यस लड्डू में जहर मिला हुआ था। डॉक्टर आर यू श्योर? या आई एम वेरी मच श्योर मिस्टर ऋषभ। मैंने जैसे कहा था कि लैब में जो भेजे गए लड्डू थे उनके अंदर जहर था। थैंक यू डॉक्टर। ओके देखा आपने ऋषभ जी, झूठ नहीं बोल रही थी, उन लड्डुओं में जहर था। लेकिन आप कभी मेरा विश्वास करते ही नहीं, आपको दूसरे लोगों पे भरोसा है, वो सल्ला आंटी पे भरोसा है, लेकिन मुझ पर नहीं। क्यों ऋषभ जी क्यों? थैंक गॉड मैंने वो लड्डू नहीं खाए। वो तो चाहती है कि मैं वो लड्डू खाऊं और मर जाऊं। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी तो मुझसे ही है ना, उनको लगता है कि मैं इस घर में प्रीता की जगह ले लूंगी। बहुत नफरत करती है मुझसे, लेकिन मुझसे भी ज्यादा नफरत वो शैलिन से करती है। स्पेसिफिकली बोल के गई थी वो कि लड्डू इस घर की बहुओं को जरूर खिलाना। शैलिन ने कितना बोला, वो बेचारी रोती रही, आप लोगों से बोलती रही, आप में से किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। और अब वहां अकेली पता नहीं कुछ कर ना ले, मैं जाके देखती हूँ। कुछ तो गलती हुई है, किसी से कुछ तो गलती हुई है। करेक्ट, मुझे भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गलत हुआ है? क्या हो गया तुम्हें करण?
अभी अभी डॉक्टर ने कहा कि लड्डुओं में जहर था, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, ये बात प्रूव हो गई है कि सरला अरोरा ने लड्डुओं में जहर डाला था। फिर भी तुम, शर्लिन कब से यही बात कह रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। अब तो डॉक्टर ने कह दिया, अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है? और तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो, इसी वक्त निकलो मेरे घर से और जेल में जाके उस सरला अरोरा से कहो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह की सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। नाउ गेट आउट।